नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। अगर किसी ऐसी विशेष इच्छा के लिए जो अब तक आपकी पूरी ना हुई हो, इस श्रावण मास में ये 11 ऐसी वस्तुएं हैं जो अगर आप भोलेनाथ को नियमित तौर पर आप संकल्प लेकर 11 दिन 21 अगर आप रोजाना अर्पित करते हैं, आपकी कैसी भी इच्छा होगी दोस्तों, मां पार्वती भोलेनाथ की कृपा से वो इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होगी। तो ये वो 11 वस्तुएं। देखिए, आज मैं अपनी पूजा के लिए बैठी हूं और अपनी थाली में मैंने सभी वो 11 वस्तुएं रखी है जो मुझे चाहिए होगी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो 11 वस्तुओं को एक एक कर मैं आपको दिखाती जाती हूं। आप सबका नाम नोट कर लें और अपनी पूजा में जरूर सम्मिलित करें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, ये मेरी पूजा की थाली है, मैं पूजा करने बैठी हूँ, उससे पहले मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इसमें भगवान भोलेनाथ को ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि ये 11 वस्तुएं अति प्रिय है। कैसी भी कामना के लिए अगर आप भगवान को ये वस्तुएं अर्पित करते हैं, आपकी वो इच्छा, आपकी वो मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। सबसे पहले दोस्तों जल है, ये गंगा जल है। आपके पास शुद्ध जल हो आप जल भी ले सकते हैं। जल से अभिषेक भगवान को अति प्रिय है, तो सबसे पहले आपको अपनी इस थाली में जल रखना है। दूसरी वस्तु दूध है। श्रावण मास में भगवान का अगर हम दूध से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, बहुत शुभ कार्य आपके जीवन के लिए होता है। तो इस 11 वस्तुओं की थाली में ये दूध है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। दोस्तों, इसके बाद आता है चंदन। देखिए, हम अन्य देवताओं को पीला चंदन भी उनको हम अर्पित करते हैं, लेकिन भोलेनाथ के लिए सफेद चंदन। तो ये सफेद शुद्ध मल्यागिरी चंदन का ये पाउडर है जो कि मैं अपनी पूजा में उपयोग में लाती हूं। तो आप इसी तरह से चंदन पाउडर ले सकते हैं या चंदन भी ले सकते हैं जिसे घिस करके आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये है भस्म। देखिए, भस्म हम सभी जानते हैं, एकमात्र ऐसे भगवान है, देव है, देवों के देव महादेव को ये बहुत प्रिय है। तो भस्म उनकी पूजा की थाली में अगर आप रखते हैं वो आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। पांचवी चीज है दोस्तों अक्षत, अखंडित चावल। आप देख सकते हैं, कोशिश की है मैंने कि ये चावल पूरी तरीके से अखंडित हैं, इसके एक एक चावल के दाने जो हैं वो अखंडित हों, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अखंडित चावल नहीं मिल रहा है, आप 4-5 दाने ही पूजा की थाली में रखें और वही अर्पित करें, उससे भी भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। देखिए, अब बारी आती है बेलपत्र की। बेलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है और बेलपत्र आप संकल्प करके 3 से लेकर जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो भगवान को अगर रोजाना अर्पित करते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन सौभाग्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो बेलपत्र आपको जरूर अपनी पूजा की थाली में रखना है। जो 11 प्रिय वस्तुएं हैं भगवान भोलेनाथ की, उसमें ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। उसके बाद दोस्तों फूलों में बहुत सारे फूल भगवान को प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय है ये आंकड़े के फूल। तो आंकड़े के फूल आपको भगवान की पूजा की थाली में जरूर रखना है। आप चाहें तो इसकी माला बनाकर उन्हें अर्पित करें, आप चाहें तो इसी प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। तो आंकड़े के फूल हो गए। यह दोस्तों भांग, कच्चा भांग मुझे मिला है। आप चाहें तो मंदिर से अगर कच्चा भांग नहीं मिल सके तो आपको सूखा भांग भी मिल जाएगा, वो भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो कच्चा भांग मैंने अपनी पूजा की थाली में रख लिया है। इसके बाद बारी आती है भांग के साथ ही धतूरे की। देखिए, ये भोग स्वरूप हम भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। जब आपने पूरी पूजा आराधना कर ली तो भोग स्वरूप जो उन्होंने अपने गले में हलाहल का विष धारण किया हुआ है, उसकी जो जलन होती है उसको शांत करने के लिए देवताओं ने सर्वप्रथम भांग और धतूरा और इस तरह की बहुत सारी औषधि अर्पित की थी भगवान को। तो ये उन्हें बहुत प्रिय है। आप श्रावण मास में रोजाना की पूजा में सोमवार का जो सावन सोमवार का व्रत है, कम से कम अगर आप उस पूजा में रखते हैं उनकी थाली में, तो बहुत शुभ फल आपके जीवन में लेकर आता है। अब यह है धतूरे का फूल। ये अगर धतूरे का फल ना मिले तो धतूरे का फूल ही आप रख लें। वैसे कोशिश करके धतूरे का फल आपको अपनी थाली में रखना है। तो अब दोस्तों ये है कपूर। हम सभी जानते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के बिना भोलेनाथ की पूजा, उनकी आरती अधूरी मानी जाती है। तो कपूर उन्हें, ये भीमसेनी कपूर मैंने रखा है उनकी पूजा की थाली में। आप इस तरह से अगर नहीं मिले भीमसेनी कपूर
तो जो साधारण टिकिया वाली कपूर मिलती है किसी भी दुकान में मिल जाती है, आप वो रख सकते हैं। इसके बाद भगवान के आंसुओं से इस पेड़ का निर्माण हुआ था, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है रुद्राक्ष। तो अगर रुद्राक्ष की एक माला आपको मिल जाए तो रोजाना अपनी पूजा में भोलेनाथ को, अगर घर में पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आज की पूजा मैं घर में कर रही हूं तो मैं अर्पित करूंगी, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो इस तरह से एक रुद्राक्ष लेकर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप संकल्प लें किसी मनवांछित इच्छा के लिए, वो इच्छा आपकी नौकरी की हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए हो सकती है, मनचाहे घरवर की हो सकती है, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, तो 11 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए, जितने दिनों का आप संकल्प लेते हैं तो एक एक रुद्राक्ष इस तरह से हर दिन, अगर आप मंदिर में इस पूजन को कर रहे हैं तो मंदिर में अर्पित करें, अगर आप घर में कर रहे हैं तो इसी एक रुद्राक्ष को आप रोजाना धोकर के भगवान के सामने अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 11 वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं। अगर उनकी पूजा में रोजाना में अगर हम इन वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, आप यकीन मानिए श्रावण मास की पूरा होने से पहले आपकी वो इच्छा, वो अधूरी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए मैं भी पूजा की तैयारियों में हूं, मैंने अपनी थाली में सारी चीजें रख ली है और मैं कोशिश यही करूंगी कि इस पूरे श्रावण मास में जो भी चीजें मैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकूं, उनकी पसंदीदा, उनकी प्रिय चीजें, कोशिश कर मैं जरूर यत्न कर उन्हें अर्पित करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। देखिए श्रावण मास से जुड़े हुए कई वीडियोस मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। श्रावण मास का जो महात्म्य है, पहले अध्याय से लेकर 30वें अध्याय तक मैं रोज आपके साथ शेयर करूंगी, उन अध्यायों को भी जरूर सुनिए, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपको उससे प्राप्त होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको भी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।